नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए कुछ नए अपडेट्स यहाँ पे निकले हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला अपडेट, जिन भी विद्यार्थियों को फॉर्म में संशोधन करना था, यानी कि फॉर्म एडिट करना था, जिनके भी कोई गलती रह गई थी, वो बार बार पूछ रहे थे कि सर इसकी डेट कब आएगी, क्योंकि देखिए एग्जाम के बाद फॉर्म संशोधन की डेट आती है, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया है और विद्यार्थियों के लिए बहुत यहाँ पे एक चिंताजनक बात हो गई है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके फॉर्म में गलती रह गई थी। उनके लिए तो बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि आलोक राज जी ने ऑफिशियल ट्वीट करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। साथ ही साथ आंसर की को लेकर अपडेट यहाँ पे आ चुका है, वो आपको बता दूंगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, ये आलोक राज जी का ट्वीट है, ये कल का ही ट्वीट है, ठीक है? कल रात को इन्होंने ट्वीट किया था कि जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में पहले ही दो बार आपको डिटेल्स को एडिट करने का जो चांस है मिल चुका है, एक सीटी के समय और फिर जूनियर अकाउंटेंट का आवेदन करने के समय। तो इन्होंने कह दिया कि आपको फॉर्म जो एडिट है वो पहले दो बार चांस मिल चुके हैं, एक बार तो सीटी के समय आपको चांस मिल चुका है, और ये कह रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का जब आवेदन किया था उस समय एक बार फॉर्म संशोधन का समय मिलता है, तो वो मिला है। आगे क्या कहते हैं, और जूनियर अकाउंटेंट के जो 15 टाइम्स का जो शॉर्टलिस्ट है वो भी आपके द्वारा दी गई कैटेगरी के आधार पर ही हुआ है, यानी कि आपने जो कैटेगरी दी है उसके आधार पर ही 15 गुना की जो लिस्ट है वो मिली है, इसलिए अब एडिट का चांस दोबारा नहीं दिया जा सकता। तो इन्होंने क्या आधार दिया है इसको लिस्ट नहीं निकालने का, या फिर इससे कह दें कि भाई एडिट करने का ऑप्शन नहीं देने का, इन्होंने क्या रीज़न बताया कि इन्होंने 15 गुना की जो लिस्ट आप सभी ने आपके जो निकली है 15 गुना की लिस्ट, वो इसी आधार पर निकली है। अब आप अपनी जो कैटेगरी अगर चेंज करते हो तो 15 गुना की लिस्ट में चेंज होता है, तो वो इन्होंने यहाँ पर एक तथ्य दिया है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसी से संबंधित। तो देखिए, ये जूनियर अकाउंटेंट संबंधित जो नोटिफिकेशन है उसी का मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर पॉइंट आप देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है, तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात, यानी कि एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद में ऑनलाइन त्रुटि संशोधन होते एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। तो इसमें साफ साफ लिख रखा है इस पॉइंट के अंदर कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है ना, एग्ज़ाम ले लिया जाता है भर्ती का, उसके बाद में भी एक चांस मिलता है। और आलोक राज जी ने क्या तथ्य दिया है कि पहले हम दो बार आपको चांस दे चुके हैं और 15 गुना की जो लिस्ट है वो आपके जो कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग बनी है, आपने जो कैटेगरी दी है उसी के अकॉर्डिंग 15 गुना की लिस्ट बनी है। तो अगर एक हिसाब से देखें तो उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है कि अगर आप अब अपनी जो कैटेगरी अगर चेंज कर लेते हो, अगर आप अपनी जो कैटेगरी है अब अगर चेंज कर लेते हो तो उसमें फेरबदल हो जाता है कैटेगरी में। और अगर इस नोटिफिकेशन की बात देखें तो ये भी सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले से ही लिखा है कि आप ये चेंजेस कर सकते हो। और दूसरी भर्तियों में देखने को मिलता भी है ना, दूसरी भर्तियों में कि फॉर्म में चेंजेस होते हैं, और कर्मचारी चयन बोर्ड के भी हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी ऐसा हुआ है, फॉर्म में जो करेक्शन है उनकी डेट के लिए एग्जाम के बाद भी आपको डेट मिलती है। तो कहीं ना कहीं दोनों बात को अगर मैं रिलेट करूं तो अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो फिर तो दे देना चाहिए था, है ना? और अगर क्यों नहीं दिया है, उसका जो रीज़न इन्होंने बताया है वो रीज़न भी देखिए दोस्तों सॉलिड है, ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने रीज़न गलत दिया है, तो इन्होंने रीज़न भी सही दिया है। अगर आप अब अगर फॉर्म एडिट का ऑप्शन आता है और आप अपनी जो कैटेगरी है उसे चेंज कर लेते हो, मान लो है ना कि फॉर्म में आपने कोई कैटेगरी के अलावा कोई चेंजेस होते हैं ना, वो दे देने चाहिए। क्या कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते और जो कोई संशोधन रह गया, जैसे कि फादर्स नेम वगैरह कुछ नाम, कोई भी एक्स वाई जेड आपका कोई भी करेक्शन रह गया है, कोई छोटी सी गलती भी रह गई या बड़ी गलती भी रहेगी, तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई कर्मचारी चयन बोर्ड इस चीज़ पे ये कर सकता है कि आपको उसमें कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन शायद ना मिले तो दूसरी चेंजेस करने का ऑप्शन आपको दे सकते हैं, ये चीज़ तो कर ही सकते हैं ना कम से कम, क्योंकि कैटेगरी चेंज करने का ही तो मना किया है कि आप कैटेगरी चेंज करोगे तो 15 गुना की जो लिस्ट है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। फिर तो ये एक चांस जरूर मिलना चाहिए विद्यार्थियों को, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है। ये अपडेट था। बात करता हूँ आंसर की को लेकर। तो आलोक राज जी का एक पुराना ट्वीट आपको मैं दिखा देता हूँ, 2 मार्च का है। उन्होंने कहा था कि जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम की जो प्रोविजनल आंसर की है वो 5 की जगह 6 मार्च को पब्लिश होगी, और आज आपकी 6 मार्च है तो आज के दिन आपकी जो आंसर की है वो आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। और जैसे ही आंसर की आ जाएगी मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई आपकी आंसर की ये है, आप मैच कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस अगर मान लो डिलीट करते हैं या क्या आता है जो भी है उसको चेक करने के बाद आप अपना जो स्कोर है वो जरूर एक बार टैली करना, और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है।
उसके बाद हम ये डिटेल पे कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार जब भी आपका जो फाइनल आपका स्कोर देखने को मिल जाएगा कि भाई अब मेरा इतना स्कोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेपर टू इसके अंदर जो कॉमर्स फील्ड का है वहाँ कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि कोचिंग वगैरह की आंसर की में बहुत सारे डिफरेंस आ रहे हैं, बहुत विद्यार्थियों का कहना था। तो ऑफिशियल जब आंसर की आ जाएगी आज, आज ही क्या बता रखा है, तो उसके बाद अपनी चेक कर लेना। और कट ऑफ की मैं बात करूँ ना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 450 प्लस जिनके भी बन रहे हैं, 450 टू 500 ये रेंज तो बहुत ही शानदार है। इसके बीच में कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है वो वेरी कर रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में हो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। और अदर कैटेगरीज का तो मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उन पर भी पास हो सकते हैं, जैसे कि फीमेल है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, स्पोर्ट्स मैन है, एक्स सर्विस मैन है, उन्होंने तो मिनिमम पासिंग मार्क्स पर भी आप यहाँ पे पास हो सकते हो। बाकी मैंने जनरल वगैरह का बताया था कि 50 से 55% के बीच में कहीं ना कहीं रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं कट ऑफ के, और OBC, EWS और इन सभी के 50% या 47-48 49 से लेकर 50% तक रहने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो यह फिर से मैच कर लेना एक बार जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी आज, जिसका डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।